तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांग कर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जर्नलिस्ट अनिल यादव एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। क्या नाम बताएं? योगी साहब, मेरा मंगल वाजपेयी। मंगल वाजपेयी है, यहाँ लोडर का काम करवाते हैं। साथ ही साथ ये बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी के लिए वॉलंटियर भी करते हैं। ये उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। चुनाव में किसका माहौल है? बीजेपी जीतेगी 400 के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते बिजली नहीं, सीवर की व्यवस्था नहीं, हमारे पास बिजली नहीं है घर में, हमारे पास लैट्रिन घर में नहीं है, हमारे पास सीवर व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बीजेपी एमएलए महेश त्रिवेदी को कई बार कहा, हमने महेश त्रिवेदी से भी कई बार कहा कि 20 फुट पाइप पड़ना है, तो अगर पड़ जाए तो हमारे घर की सीवर व्यवस्था बन जाए, नहीं बन पाई। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और ना ही उन्हें कुछ मिलने की उम्मीद है। त्याग तपस्या की मूर्ति है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं, लेकिन उसके बावजूद कोई शिकायत नहीं, कोई है। शिकायत नहीं। और ना कोई उम्मीद है मिलने की, और ना उम्मीद है मिलने की। लेकिन फिर भी वो खुद को भाजपा का भक्त कहते हैं। लेकिन ये तो कहा जाता है ना कि भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इस पर मंगल वाजपेयी जवाब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आदमी बालू खाकर भी पेट भर सकता है, यानी कि मिट्टी खाकर भी पेट भर सकता है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा, अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है, बालू खा के पेट भर लेता हूँ। इन्हें कोई शिकायत नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को ये परमात्मा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? और ये इकलौते नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में आपको उसके कई और उदाहरण दिए थे। बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता, ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त है, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त है। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई, अब मैं 10 साल से बनियान नहीं पहन रही, देखो आप। वो भगवान है हमारे, हम उनकी पूजा करते हैं। ऐसा हुआ है इमोशनल मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग की वजह से। एक बड़े स्केल पर देश में लोगों का ब्रेन वॉश किया गया है। और जो माफिया यहाँ पर ब्रेन वॉश कर रहा है लोगों का, वो 4 डिपार्टमेंट्स पर काम करता है। पहला डिपार्टमेंट लोगों में गर्व और अहंकार भरता है कि आप महान हो क्योंकि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए। दूसरा डिपार्टमेंट आपको एहसास दिलाता है विक्टिमाइजेशन का, कि सदियों से हजार सालों से आपके पूर्वज विक्टिम बनकर रहे थे। तीसरा डिपार्टमेंट आपके अंदर डर भरता है कि आपको खतरा है उन लोगों से। और चौथा डिपार्टमेंट यहाँ नरेंद्र मोदी को मसीहा बनाता है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही आपको बचा सकते हैं। पहले 3 डिपार्टमेंट्स की मैं 3 अलग-अलग वीडियोस में ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अब वक्त है इस चौथे डिपार्टमेंट को एक्सपोज करने का, नरेंद्र मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनालिटी। कैसे इनके इतने सारे फेलियर्स के बाद भी लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है कि लोग इन्हें भगवान मान बैठे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जून 2013 की बात है दोस्तों, राइटर नीलांजन मुखोपाध्याय ने एक किताब लिखी नरेंद्र मोदी के ऊपर। ये एक बायोग्राफी थी। इस किताब में लिखा गया कि कैसे नरेंद्र मोदी जब 6 साल के थे, वडनगर रेलवे स्टेशन पर गुजरात में वो चाय बेचा करते थे। ये चाय बेचने वाला किस्सा तभी से लेकर नरेंद्र मोदी की संघर्ष की कहानी का ये एक मेजर टॉकिंग पॉइंट रहा है। 2015 में जब टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि कैसे वो एक बहुत गरीब परिवार से आते थे, कैसे बचपन में वो चाय बेचा करते थे रेलवे स्टेशन पर। इनकी एग्जैक्ट लाइनें सुनिए, मैं पॉवर्टी में पैदा हुआ हूँ, बचपन में मेरा पूरा बचपन पॉवर्टी में बीता, मेरे लिए पॉवर्टी एक तरीके की पहली इंस्पिरेशन थी मेरी जिंदगी में। लेकिन कितनी सच्चाई है इन बातों में, बहुत से लोगों ने टाइम टू टाइम सवाल उठाए हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए, वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूं, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। और नरेंद्र मोदी अपने आप को
गरीब ही नहीं बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनकी पुराने घर की एक फोटो पब्लिश करी थी, स्क्रीन पर देखिए। बहुत बड़ा घर नहीं है, लेकिन क्या आपको ये 1950s के किसी बहुत गरीब परिवार का घर दिखता है? परिवार में नरेंद्र मोदी के 5 भाई और 1 बहन है। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि उन 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो मदद करने चले जाता था। उनके पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, उन 5 भाइयों और 1 बहन को बड़ा किया, इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। 2014 में कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी चाय वाला नहीं थे, बल्कि वो एक कैंटीन ठेकेदार थे। अब कांग्रेस की बात पर कितना यकीन किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन 2021 में बीजेपी ने भी ये कैंटीन वाली चीज अनइंटेंशनली एक्नॉलेज करी थी। रेलवेज मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंस्ट्रक्ट किया ऑफिशियल्स को कि वो वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक कैंटीन को ब्यूटीफाई करें। इंडिया टुडे के आर्टिकल में यह क्लियरली लिखा हुआ है और इसके नीचे एक फोटो भी लगी है इस टी स्टॉल / कैंटीन की जो नरेंद्र मोदी के पिता चलाया करते थे। हाल ही में लिखे गए CNN के इस आर्टिकल को देखिए। नीलांजन मुखोपाध्याय खुद कहते हैं कि मोदी की जो पॉवर्टी की कहानी है वो ग्रॉसली एग्जैजरेटेड है, यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताई गई है। इतना ही नहीं, एक दूसरे आर्टिकल में नीलांजन बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिता के पास इतने पैसे थे कि वो मोदी और उनके भाइयों को स्कूल भेज पाए, और स्कूल जाने का मतलब था कि वो कहीं और फुल टाइम काम नहीं कर सकते थे, बस वो स्कूल के बाद अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसी कहानियों को क्यों बढ़ा चढ़ा कर हमें बताया जाता है। नीलांजन कहते हैं ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इंडियन पब्लिक को एक आइडिया बेचा जा सके। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। कोई भी इंसान अगर समझदारी से सोचे तो वो जानता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक अच्छा नेता गरीब परिवार से भी आ सकता है और अमीर खानदान से भी आ सकता है, और यही चीज कही जा सकती है एक बुरे नेता या डिक्टेटर के बारे में भी। उदाहरण के तौर पे बात करें, कंबोडिया का जो डिक्टेटर था पोल पॉट, वो एक अमीर खानदान से आता था, लेकिन इटालियन डिक्टेटर बेनिटो मुसोलिनी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता एक ब्लैक स्मिथ थे और वो बड़े गर्व के साथ इन चीजों को प्राउडली एक्सप्रेस करता था कि कैसे वो जनता के बीच से निकल कर आया है। रशियन डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन के एक मोची थे, यानी जूते बनाने वाले, और माँ एक धोबिन थी। और दुनिया का सबसे जाना माना तानाशाह हिटलर भी एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन गरीब परिवार में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि उसने गरीबों के लिए काम किया था अपने करियर में। उल्टा जानते हो क्या, हिटलर चंदा धंधा का मॉडल चलाता था अपना खुद का। उसके समय में बहुत सी क्रोनी कैपिटलिस्ट कंपनियों ने करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। IG फार्बन, डॉयचे बैंक, BMW, कुछ गाड़ियों की कंपनीज जिनको आज आप जानते हैं और कुछ लोग इन गाड़ियों के पीछे बड़ा भागते हैं, पोर्शे, मर्सिडीज बेंज, फोल्क्सवैगन, इन सब कंपनियों ने चंदा डोनेट किया था हिटलर को अपने समय में। 2016 में BMW ने माफी भी मांगी थी इस चीज को लेकर। इस आर्टिकल को देखिए, रिग्रेट एक्सप्रेस किया था कि वो एक समय पर हिटलर को सपोर्ट किया करते थे। इंडिया की बात करें तो हाल ही में हमने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। मैंने पूरा वीडियो बनाया इस पर कि कैसे ये एक घोटाला नहीं बल्कि घोटालों का भंडार था। बहुत सी कंपनियों को इससे फायदा हुआ और आम जनता को नुकसान। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी के मित्र जैसे कि गौतम अडानी भरपूर तरीके से अमीर बनते रहे और देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो मुफ्त अनाज लेने पर मजबूर कर दिया गया। बेरोजगारी और महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़कर रख दी है आज के दिन। अब तो ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि नरेंद्र मोदी खुद को गरीब परिवार का बताते हुए जिन राहुल गांधी को एलीट वर्ग का प्रोजेक्ट करते थे, युवराज कहते थे, आज वही राहुल गांधी खुल्लम खुल्ला गरीबों को कह रहे हैं कि वो गरीबों के हैं और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी जैसे अमीर सेठों के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितना रुपया नरेंद्र मोदी ने अडानी को दिया है उतना रुपया वो देश के गरीब लोगों को देंगे। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे। इन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति। प्रधानमंत्री मोदी इसका ज्यादा जवाब दे नहीं पाए, उल्टा उन्होंने कोशिश करी थी ये कहने की कि अडानी अंबानी एक्चुअली में कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं। घोषित करें इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है,
मार्च में आई इस रिपोर्ट को देखिए, भारत में इनकम इनइक्वालिटी 100 साल में सबसे ज्यादा हो गई है। इतनी बुरी हालत अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं होती थी। ऐसे में अगर राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि अगले 5 सालों में वो सभी 22 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी से निकाल देंगे, तो इसमें क्या गलत किया। लेकिन पीएम मोदी इस बात पर भी तंज कसने लगे। उनके पास खुद कोई अपना विजन नहीं है। 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया और अगले 5 सालों के लिए यही 5 किलो अनाज वाली स्कीम एक्सटेंड कर दी। ना रोजगार का कोई प्लान बताया है, ना महंगाई कंट्रोल कैसे होगी ये बताया, ना गरीबी कैसे हटेगी ये बताया। और जब राहुल गांधी ने सबके लिए रोजगार की बात करी तो प्रधानमंत्री मोदी उनका मजाक उड़ाने लग गए। कांग्रेस के शाहजादे ने अभी घोषणा की, आप भी सुनकर के हंसोगे, सुनाऊं? चोरों से हंसना पड़ेगा आपको। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? फरवरी 2020 में गुजरात में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, तो गरीबों को छुपाने के लिए एक 1600 फुट लंबी दीवार बनाई गई थी। जरा खुद सोचकर देखो, 1995 से लेकर 2020 25 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार थी, जिनमें से 3 बार तो खुद नरेंद्र मोदी ही चीफ मिनिस्टर थे। लेकिन इनसे गरीबी नहीं हटाई गई, उल्टा ये गरीबों को छुपाने लग गए। G20 समिट के समय दिल्ली में भी यही हुआ था, कुछ बस्तियों को हरे पर्दे के पीछे ढक दिया गया था, यानी कि इन गरीब लोगों की मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट कर दी। इसी के तहत ये पूरी दुकानें यहाँ से ढक दी गई हैं, जो थोड़ा झुग्गी टाइप घर थे उनको भी ढक दिया गया है यहाँ पर। सोचिए कि ये कितना डीह्यूमनाइजिंग है। कोई आपसे कहे कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम तो एक दाग धब्बा हो, वो गोरे सेठ आ रहे हैं हमारे देश में घूमने, तुम्हें एक पर्दे के पीछे छुपा दिया जाएगा, कैसा लगेगा आपको ये सुनकर? उन गरीबों की सोचो, उन्हें कैसा लगा होगा। सीधा कहते हैं कि यहाँ से जाओ, उस गरीब को तो भगा सकते हो, उस अमीर को भगा के देखो ना। तो इन सब चीजों के चलते नरेंद्र मोदी की ये जो गरीब परिवार वाली ब्रांडिंग थी, अब ये लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन उनके कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का ये केवल एक हिस्सा है। दूसरा हिस्सा यहाँ पर आता है उनके परिवार को लेकर। व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं, इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्री बाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये कैसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, किसी औरत को कांग्रेस का विधवा कहा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित किया, समाज में नफरत का जहर बोया। सत्ता पाने के लिए भगवान बुद्ध ने ये सब नहीं किया था, वो तो खुद एक राजकुमार थे। वो तो सत्ता को, महल को और सिंहासन को छोड़कर जंगल में गए थे, और उनके पीछे उनके माँ बाप, उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बेटे राहुल तो राजमहल में सुविधाओं के साथ जी रहे थे। और जब बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति हुई तो जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? oshonews.com पर ओशो के एक लेक्चर का ट्रांसक्रिप्ट दिया हुआ है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो पहली बात उन्होंने अपने शिष्यों से ये कही, मैं यशोधरा के पास जाना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर आनंद व्याकुल हो गए, बोले कि ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने कहा, मुझे उसका धन्यवाद करना है उसकी मदद के लिए, और जो मेरे साथ हुआ, जो मुझे मिला, इसका कुछ हिस्सा मुझे उसे देना है, ये उसका कर्ज है मुझ पर। और वो गए, यशोधरा ने उन्हें देखा, 12 साल का गुस्सा उनके अंदर था। वो बोली, मुझसे कहकर तो जाते, क्या मैं तुम्हें रोकती? इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर। बुद्ध ने माफी मांगी, ये कहा कि मैं ना समझ था, अब समझ आई तो वापस आया हूँ। सुनो, कुछ अद्भुत हो गया है, मेरा पहला दायित्व तुम्हारे प्रति है, इसलिए वह अनुभव तुम्हारे साथ साझा करूंगा। यशोधरा की आंखों से आंसू झरने लगे। आप प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां बधाई देने पहुंच गए। इस न्यूज आर्टिकल को भी देखिए, नरेंद्र मोदी ने गौतम
अडानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर ये जाना चाहें तो। लेकिन सवाल यहां पर ये, क्या केवल अपने भाइयों और परिवार को ही छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? एबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। अवनी दास रिपोर्ट करती है कि अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने फोटोज और वीडियोस में जरूर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माता जी से मिलने जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि केवल वहां 3 लोग होते थे इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी माता जी और कैमरामैन। कभी कभार मुलाकात में 2-3 और लोग होते थे, लेकिन वो हमेशा और कैमरामैन ही होते थे। 3 साल पहले बीबीसी कॉरेस्पॉन्डेंट तेजस वैद्या ने प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी से बात करी और सुनिए उनका क्या कहना था। तेरे परिवार ने दूर रखवानी सूचना पमावे। इस बात को लेकर स्पष्ट निर्देश होता है कि परिवार के बाकी सदस्य दूर ही रहे। प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी सोनल मोदी ने भी यही बताया कि उनको मना किया गया है। उनसे पूछा गया कि शपथ ग्रहण समारोह में बहुत से लोगों को निमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री का शपथ ली थी, तब देश में से कई लोग गए थे, तब आपको न्योता मिला था या आपको जाने की इच्छा हुई थी? इच्छा तो सबको होती है, पर अफसोस है कि हमें इनविटेशन नहीं दिया गया। G20 की थीम रखी गई थी वसुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, लेकिन खुद के परिवार को, खुद के भाई बहनों को अपने से दूर रखा जाता है इस तरीके से, आखिर क्या कारण है? भगवान राम तो अपने परिवार के साथ रहते थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चारों भाइयों में कितना प्यार था। क्या इसका मतलब ये हुआ कि राम जनता के लिए काम नहीं कर पाए? उन्होंने तो राम राज्य स्थापित किया था जहां कोई गरीब बेरोजगार दुखी नहीं था। मैं फिर से कहूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का अपना पर्सनल मैटर है। अगर वो बॉलीवुड, अडानी, अंबानी जैसे दोस्तों के साथ ताल्लुक रखना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ नहीं, उनकी मर्जी। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि इसे अचीवमेंट की तरह क्यों दिखाया जाता है कि मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, देखो मैं कितना महान हूं। ये कोई अचीवमेंट होती है कि? इसका साइड इफेक्ट ये हुआ है कि बहुत से हिंदू युवा ब्रेन वॉश हो गए हैं। होना ये चाहिए कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर कुछ बने, काम धंधा करे, कुछ कमाए और अपने माँ बाप की सेवा करें। लेकिन नहीं, कुछ यूथ की क्या हालत हो गई है कि वो हाथों में तलवार लेकर मस्जिदों के सामने घूम रहे हैं। उन्हें भी अपने परिवार से, अपने माँ बाप से कोई मतलब नहीं। सेलिंग पॉइंट नंबर 1 था, मैं गरीब परिवार से हूँ। सेलिंग पॉइंट नंबर 2 था कि मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया देश के लिए। और सेलिंग पॉइंट नंबर 3 अब आता है, फकीरी। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांग कर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। चलो, इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो, 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो MLA पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 years। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए वो, मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने BA और MA की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया, आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकॉम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि US में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में। मतलब भिक्षा मांग कर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह, क्या फकीरी है। वाह मोदी जी, वाह वाह। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की US विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखेगा इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। इस टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुगली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेडगियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में।
और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। अगर ये फकीरी वाली बात भी नहीं बैठती लोगों में, तो इस सब के बाद अगला हथियार आता है कि इनको भगवान का अवतार ही बना दो। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कितनी बार कितने नेताओं ने बार बार प्रधानमंत्री मोदी को भगवान से कंपेयर किया है। और मोदी जी भारत में भगवान का वरदान बन के आए हैं। भगवान नहीं, मनुष्य के रूप में, नरेंद्र मोदी जी के रूप में अवतार लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो खुद भगवान स्वरूप है, मोदी जी के रूप में श्री रामचंद्र ने जन्म लिया है। मोदी जी है ना साक्षात भगवान महाकाल जी का अवतार है। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। अरे कुछ लोग तो मंदिर भी बनाने लग गए। पुणे में एक बीजेपी वर्कर ने नरेंद्र मोदी के लिए मंदिर बना दिया, गुजरात में इनका एक मंदिर बना, तमिलनाडु में इनके लिए एक मंदिर बना। क्या मजाक चल रहा है? ये इकलौते नेता नहीं है जिन्हें भगवान से कंपेयर किया जाता है। एक समय पर एडोल्फ हिटलर को भी जीसस से कंपेयर किया जाता था। राजनीति में हिटलर की एंट्री की तुलना की जाती थी जीसस के रिजरेक्शन से। लेकिन उस समय ये सवाल उठा कि ये बात जमेगी कैसे? जीसस तो शांति की मूर्त थे, सूली पर भी चढ़ाया गया उन्हें, तब भी उनके दिल में कोई नफरत नहीं थी। बोले कि हे भगवान उन्हें माफ करना। जबकि हिटलर तो नफरत का सौदागर था, तो कैसे जीसस का इस्तेमाल किया जाए नफरत फैलाने के लिए और हिटलर को उससे भी कंपेयर किया जाए? इसके लिए हिटलर और नाजी लोगों ने बाइबल को ही बदल डाला। मजाक नहीं कर रहा, ओल्ड टेस्टामेंट जो थी बाइबल की, उसे ही हटा दिया गया उनके समय। जीसस को इस तरीके से चित्रित किया गया कि वो ऐसा लगे कि वो यहूदियों के खिलाफ लड़ने वाले एक फाइटर हो। सिमिलरली बीजेपी के लोग बार बार नरेंद्र मोदी को भगवान का अवतार करके पुकारते हैं। लेकिन यहाँ भी दिक्कत वही आ जाती है कि नरेंद्र मोदी तो नफरत फैलाते हैं, लेकिन श्री राम की सूरत में दिखती है विनम्रता, सौम्यता, करुणा। राजा रवि वर्मा की इस आइकॉनिक पेंटिंग को देखिए, राम दरबार, जो कि हमारे देश के करोड़ों घरों में लगी हुई है। इस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने के लिए इनके लोगों ने राम की सूरत बदलनी शुरू कर दी। पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा ये एंग्री हनुमान और एंग्री राम की आइकॉनोग्राफी। गाड़ियों के पीछे इसे लगाया जाता है ये दर्शाने के लिए कि ये है असली में भगवान राम। चरित्र ही बदल दो भगवान का। रामायण में मुसलमानों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रामायण को भी तोड़ मरोड़ दिया अपने नफरत खोर एजेंडा के लिए। 2016 में एक बीजेपी एमपी ने कहा कि मुसलमान तो रावण के डिसेंडेंट्स हैं। व्हाट्सएप माफिया वालों ने हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक झूठा कोट इंसर्ट कर दिया, धर्म हिंसा तथैव च, जो चीज किसी वेद पुराण में नहीं थी, किसी रामायण महाभारत में नहीं थी। इन्होंने जबरदस्ती अपना नफरत खोर एजेंडा बीच में घुसा दिया उसके। धर्म हिंसा तथैव च, आपको जान करके आनंद होगा कि ये किसी भी ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, और इससे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाने चाहिए कि ये कौन सी सेंट्रलाइज्ड कॉन्स्पिरेसी यूनिट है जो इतनी बड़ी बड़ी साजिशें करती है कि जो बात धर्म ग्रंथ में लिखी भी नहीं हुई है उसको संस्कृत में लिख करके उसको चारों तरफ व्हाट्सएप से और दूसरे जरियों से फैला देती। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए। लेकिन अब बहुत से हिंदुओं को इनका एजेंडा समझ में आ गया है। इस तरीके का हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ करना लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए ये कार्ड भी अब फेल होता जा रहा है। तो इन बीजेपी वालों ने क्या सोचा कि अवतार से एक लेवल नीचे इन्हें सर्वगुण संपन्न शक्तिमान दिखाया जाए। लेकिन किसी को यहाँ शक्तिमान बनाने का सबसे आसान तरीका है कि दूसरी साइड वाले की इमेज नीचे गिराओ। इसलिए इनके आईटी सेल ने राहुल गांधी को पप्पू बना दिया। व्हाट्सएप पर इनकी आधी अधूरी क्लिप्स तोड़ मरोड़ के दिखाई जाने लगी कि जैसे राहुल गांधी में तो कोई समझ ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बेवकूफ इंसान है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले 10 साल में पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, कोई अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू नहीं किया, जबकि राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक लेक्चर दिए हैं, लोगों से ढेर सारी हर साल दो साल अनस्क्रिप्टेड इंटरैक्शंस की हैं। ये बात सही है कि उनकी कुछ फनी क्लिप्स जरूर हैं जहां उनके मुंह से कुछ उलट पुलट निकल गया। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। लेकिन ऐसी क्लिप्स तो नरेंद्र मोदी की भी बहुत है। तीसरा कहा था विमेन डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी, मैं कब हो गया ये? नरेंद्र मोदी वही है जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाय करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम रडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो। पप्पू को हारने का डर लग रहा है, पप्पू को नहीं बनाएंगे।
और अभी तो एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है। हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को एक वन ऑन वन डिबेट के लिए इनवाइट किया है। राहुल गांधी तो इस इनविटेशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी चुप है। अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए भी एक बड़ा सीधा मौका होगा देखने का कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन ज्यादा केपेबल लीडर है देश के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर इस डिबेट से भागते हैं और जवाब ही नहीं देते तो समझ जाना कौन यहाँ पर बेहतर है। इस कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा कार्ड है सब जगह फोटो चिपकाओ। बचपन में मैं सोचता था कि ये कोका कोला जैसी ड्रिंक्स की एड्स क्यों आती हैं टीवी पर, हर कोई तो जानता है कि कोका कोला क्या है। बाद में मुझे समझ आया कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से बाहर तो दिमाग से बाहर। और इसकी उल्टी एक टैक्टिक है, जितना नजर में रहोगे उतना लोगों के दिमाग में घुसोगे। अखबार पर नरेंद्र मोदी, रेडियो पर नरेंद्र मोदी, टीवी चैनलों पर नरेंद्र मोदी, फेसबुक पर नरेंद्र मोदी, पेट्रोल पंप की होर्डिंग्स पर नरेंद्र मोदी, सड़क पर पोस्टर छपे हैं, गूगल एड्स पे करोड़ों खर्च करके अपना चेहरा दिखा रखा है, हर एक सरकारी स्कीम के इश्तिहार पे, अरे ये सब तो छोड़ो, कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे भी नरेंद्र मोदी। सेल्फी पॉइंट्स तक बना डाले इन्होंने जगह जगह। 2022 की इस रिपोर्ट को देखिए, INB मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार ने 8 सालों में 6400 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किया एडवर्टाइजमेंट्स पर। हर रोज का 71 लाख रुपए तो अखबारों में ऐड देने में लगा दिया। और ये सब तो सरकारी पैसे से चलने वाली एड्स थी, इसके अलावा जो पार्टी फंड से चलने वाली एड है वो अलग, और गोदी मीडिया के एंकर जो दिन रात चाटुकारिता करते हैं वो अलग। हर जगह नरेंद्र मोदी। एक गायक थे जिम मॉरिसन, उन्होंने कहा था कि जो मीडिया को कंट्रोल करता है वो दिमाग को कंट्रोल करता है। लेकिन एक और सिंगर थे बॉब मार्ले, उन्होंने कहा था कि हर वक्त हर किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। और अब यही हो रहा है कि हर तरफ मोदी का चेहरा देखकर लोग उकता गए हैं, और ये जो वॉर रुकवाने वाली कहानियां हैं इन पर पूछा जा रहा है कि इतनी ही वॉर रुकवाने वाले हो तो मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुकवा देते। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा, किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते। लोग पूछ रहे हैं कि भारत में सब चंगा सी है तो 2022 में सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2.25 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता क्यों छोड़ दी। इस मोदी मैजिक के खत्म होने का सबसे बड़ा सबूत यही है कि बीजेपी को दूसरी पार्टियों के उन नेताओं को अपनी पार्टी में लाना पड़ रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर एक आरोप लगे। अगर मोदी मैजिक अब सही में बचा होता तो मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जा सकता था। इन बाहर के नेताओं को लाने की जरूरत नहीं थी अपनी पार्टी में, ये झूठ, डर और नफरत फैलाने की जरूरत नहीं थी। इस वीडियो में तो मैंने आपको नरेंद्र मोदी का वो चेहरा दिखाया है जो व्हाट्सएप माफिया आपको दिखाता रहता है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा उनका असली चेहरा, उनके माइंड में क्या क्या चलता रहता है। यहाँ मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि आप लोग इतने जज्बे के साथ इनकी इस झूठ और नफरत की फैक्ट्री को तबाह करने में लगे हुए हो। हमारे इस मिशन 100 करोड़ पर लगे रहिए। ये देखकर खुशी होती है कि किसी का कमेंट आता है ये कहते हुए कि आपने एक वीडियो को 850 लोगों के साथ शेयर किया व्हाट्सएप पर। कहीं पता चलता है कि प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाकर आप वीडियो चला रहे हो राजस्थान की गलियों से लेकर वेस्ट बंगाल तक। किसी ने टीवी लगा दिया बाहर मुंबई में ताकि लोगों तक सच पहुंचाया जा सके। इसी तरीके से लगे रहो, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है। वोट करने जरूर जाना और अपने आसपास के 10 लोगों को कन्विंस करना वोट करने के लिए, वोट करना इस नफरत और झूठ के खिलाफ। मुझे यकीन है कि हम इकट्ठे मिलकर देश को बचा लेंगे। अगर आपने इस ब्रेन वॉशिंग माफिया के चारों डिपार्टमेंट्स के बारे में पहली बार सुना है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, यहाँ पर मैंने शुरुआत से समझाया था पहले डिपार्टमेंट के बारे में, क्लिक करके देख सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।